भारत में रियासती इंतखाबात में मोदी और उनकी इंतहा पसंद को मुंह की खाना पड़ी और नई दिल्ली के आवाम ने सेकुलर जमात आम आदमी पार्टी को मुंतखब कर लिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात जीतने के लिए मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए और मुतनाज़े शरीयत कानून भी मंजूर किया, लेकिन आवाम ने उन्हें और उनकी इंतहा पसंदी को मुस्तरद करके आम आदमी पार्टी को चुन लिया। नई दिल्ली की असेंबली के इंतखाबात में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमात आम आदमी पार्टी ने 70 में से 63 सीटें हासिल कर ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 सीटों की खैरात मिल सकी। फतह के बाद आम आदमी पार्टी मुसलसल तीसरी बार दिल्ली में हुकूमत बनाने जा रही है। गुज़िश्ता इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी, जबकि इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटें हासिल कर सकी थी। इससे कबल कांग्रेस दिल्ली पर मुसलसल 15 साल हुकूमत करती रही थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि उन्हें शहरियत के मुतनाज़े कानून का फायदा पहुंचेगा, लेकिन उल्टा ये कानून उनके गले पड़ गया। सियासी पंडितों का कहना है कि मुमकिन तौर पर ये कानून आम इंतखाबात में भी मोदी और उनकी जमात को ले डूबेगा।